मैं कह रही हूँ मंदिर में मजहबी अधिकरण का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए। जहाँ मुगल नहीं आए, दोनों तरफ की तस्वीरें, वाराणसी काशी की भी बात करेंगे, देवों के देव महादेव, उन्हें भी तारीख पर तारीख, जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव सबूत आपको दिखाए थे, वो भी एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे एक एक करके। लेकिन सोचिए जरा, जहाँ पर मुगलों की पैठ रही वहाँ क्या हुआ? राम मंदिर, 5 सदी लग गई, 5 सदी, और फिर देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर फैसला सुनाया। और देखिए, ये वो सबूत जिनका जिक्र मैं आपसे कर रही थी, और मेरे सहयोगी विशाल पांडे दरअसल हमारे साथ है, जिन्होंने ये सबूत जी न्यूज पर आप तक पहले भी पहुंचाए हैं। विशाल, जल्दी से सबूतों के लिहाज से बात की जाए, चाहे मथुरा हो या काशी हो, मजहबी अतिक्रमण के सबूत, एक्सक्लूसिव सबूत जी न्यूज ने बार बार दिखाए हैं, खासतौर पर काशी की, जिसमें नक्शे से लेकर और वो तमाम सबूत हैं जिनके बारे में, जहां नक्शे से हिंदू मंदिर का खुलासा होता है, इसके अलावा जो औरंगजेब के दरबारी का दस्तावेज है वो भी मंदिर गिराने का जिक्र साफ तौर पर करता है। बिल्कुल आदित्य, तमाम ये सबूत वाराणसी जिला अदालत में पेश किए गए हैं। और अभी मैं अगर मथुरा के बारे में बताना चाहूं, क्योंकि आज मथुरा पर तथ्य मांगे जा रहे हैं, उसके कुछ अहम तथ्य हैं जो कि आज जो हमारे यहां पर पैनलिस्ट हैं उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि जब जुगल किशोर बिरला जी मथुरा पहुंचे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय मथुरा पहुंचे थे, तो उन्होंने इस पूरे जमीन को पटनी मल के राजा से खरीदा था, जिसे कटरा केशोदेव के नाम से आज जाना जाता है, और जो कि लगभग 13.5 एकड़ के आसपास की जमीन है, जिसमें से 2.5 एकड़ जमीन पर ईदगाह आज वहां पर बनी हुई है। जब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों से बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट 1951 में बिरला जी की तरफ से ही बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष आज महंत नृत्य गोपाल दास हैं, और उस समय से ही लगातार ये ट्रस्ट इस पर काम कर रहा है। आज ट्रस्ट का ये कहना है कि टैक्स हम देते हैं, पूरा जो स्वामित्व है इसका, जो भी खर्चा आता है, रेवेन्यू, तमाम चीजें वो ट्रस्ट भरता है इस पूरे जमीन की, तो यहाँ पर ईदगाह क्यों है? अगर तथ्यों पर सही तरह से बातचीत हो जाए, कोर्ट में सही तरह से तथ्यों पर बहस हो जाए, जो तथ्य यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से रखे जा रहे हैं, तो ये मामला बहुत आसान है। क्योंकि हमारे पास पूरी इसकी डेट शीट है, तमाम चीजें हैं, 21 फरवरी 1991 को इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो ऑन पेपर है, जहां पर आज ईदगाह है, ट्रस्ट के लोग ये दावा करते हैं कि वो ईदगाह उसका जमीनी जो मालिकाना हक है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। और जब आप कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के लिए जाते हैं, तो जहां पर हम जन्मभूमि के दर्शन करते हैं उसके ठीक पीछे आप जब देखेंगे तो आपको पत्थर से बंद दीवारें नजर आएंगी। वहां के बारे में ट्रस्ट ये कहता है, इस दीवार के अंदर जब हम जाते हैं, ईदगाह के नीचे ही मूल जन्मभूमि है श्री कृष्ण की, जहां पर वो जेल में पैदा हुए थे। तो ये सारे तथ्य हिंदू पक्ष अपनी तरफ से रख रहा है कोर्ट में, और इस पर आगे तथ्यों के आधार पर ही बहस होगी। ठीक है, असगर खान सर, मेरा आपसे सवाल यही था। दे रही है जी, आपका सवाल मुझसे है जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप अभी आस्था की बात कर रही थी, जब आप एक तरफ कहती हैं कि मामला कोर्ट में है तो आस्था पर फैसला कोई नहीं हो सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है, क्लियर कर चुकी है, इसलिए आस्था की बात यहां नहीं की जाए तो अच्छा है। सबूत के ऊपर फैसला होगा, और कोर्ट आस्था के लिए नहीं है, सबूत के लिए है। इसलिए मेरी आवाज आपको आ रही है? ये है कि देश के बहुसंख्यकों यानी करोड़ों हिंदुओं के आराध्य की जन्मभूमि पर, ध्यान से सुनिएगा, मजहब, अगर कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है तो उनका मंदिर कहाँ होना चाहिए? देखिए, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वहां पर कृष्ण जी की जो है जन्मभूमि है या नहीं। अब ये दावे तो बहुत सारे चलेंगे हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, आए दिन ये जितनी भी कट्टरपंथी है इस किस्म के नए